मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, मैं ब्रेकअप पे ही 100 वीडियो बना सकती थी, मैं बिग बॉस पे भी 100 वीडियो बना सकती थी। हेलो गाइस, तो गाइस एलविश यादव ने जब से क्लियर किया कि कृति मेहरा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तब से बहुत सारे लोग कृति मेहरा को ट्रोल कर रहे हैं, उनको हेट दे रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि आप एलविश यादव के नाम से व्यूज ले रही थी, आप एलविश यादव के साथ में जो भी आपका पास्ट में पहले जो भी था उससे रिलेटेड आप इंटरव्यू में कुछ भी बोल रहे थे जिससे आपको फ़ायदा हो रहा था, ऐसी बहुत सारी कॉमेंट्स उनको आ रही उनके वीडियो पर। और इसी के बारे में उन्होंने इंस्टेंट बॉलीवुड में एक इंटरव्यू वीडियो दिया, तो वहाँ पर उन सभी का रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पर कृति मेहरा ने उस इंटरव्यू में क्या कहा है, चलिए मैं आप लोग को वो वीडियो दिखाता हूँ। मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, मैं ब्रेकअप पे ही 100 वीडियो बना सकती थी, मैं बिग बॉस पे भी 100 वीडियो बना सकती थी। जब मैंने आज तक ये नहीं किया तो मैं आगे क्यों करूं? इस चीज को किसी को समझ नहीं आ रहा, सबको लग रहा है एकदम से आ गई। मैं एकदम से इसलिए आई क्योंकि मुझे एज अ क्रिएटर बुलाया गया, एज अ क्रिएटर काफी लोगों को बुलाया गया, सबने इंटरव्यू दिया, मैंने भी उसी तरीके से दिया। अब मैंने अगर सामने कोई क्वेश्चन पूछ रहा, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं आपको बोलूंगी कि नहीं मैं इसका आंसर नहीं दे रही, ठीक है? जबकि आपको पता है कि मार्केट में अभी वही टॉपिक चल रहा है, तो आपको पूछना पड़ेगा मुझसे। तो वैसे ही उन लोगों ने मुझसे पूछा, जबकि मैंने उन्हें बोला भी था कि आप थोड़ा ना कम रखना उस साइड पे, ज्यादा मत रखना। वो उन्होंने किया भी, पर उनको वो टॉपिक भी कवर करना था। जब सब क्रिएटर के साथ कर रहे हैं तो मुझे भी क्यों छोड़ देंगे? मैं आपके लिए भी यही बोलूंगी, क्यों छोड़ दोगे? कहीं ना कहीं वो टॉपिक करोगे ना क्लियर। बिल्कुल, मैंने भी वही किया, पर सबको उस चीज की दिक्कत थी कि तू क्यों बोली, और नहीं बोली तो क्यों नहीं बोली। तो मैं तो पागल हो चुकी थी इस मामले में, मैंने कहा भाड़ में जाऊं, जिसको गाली देनी है ना उसको देनी है, अभी जिसको देनी होगी ना ये बात सुन के भी देंगे, जिसको समझ आ जाएगा, जो थोड़ा मैच्योरली सोच लेगा वो नहीं देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कृति मेहरा ने जो कुछ कहा इसको लेकर के आप लोग की क्या राय है, आप लोग की क्या ओपिनियन, आप लोग इनको क्या कहना चाहोगे, आप लोग आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।